हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हेयर कट। तो आज मैं करने वाला हूँ स्किन फेड हेयर कटिंग एंड लोअर फेड हेयर कटिंग। सो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट टू पॉइंट क्लिप लगाना है। आज मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगा, ठीक है, टू सेट स्किन फेड वाला हेयर कटिंग करने का। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना। मैं आज आपको पूरी दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से टू सेट वाला स्किन फेड हेयर कटिंग करते हैं, ठीक है। ये नया स्टेप है। देखिए फर्स्ट क्या करना है, टू पॉइंट क्लिप लगाना है। लगाने के बाद तीनों साइड में इस तरीके से ट्रिमिंग करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको टू पॉइंट क्लिप से तीनों साइड में ट्रिमिंग कर लेना है अच्छी तरीके से। पूरी फुल नहीं ट्रिमिंग करना है, हाफ ट्रिमिंग करना है। करने के बाद क्या करना है, अभी इस तरीके से आपको कट लगाना है। आप पर जो भी ट्रिमर है वो ट्रिमर से आप इस तरीके से कट लगाना है, ठीक है। देखिए कट लगाने के बाद आपको इस तरीके से नीचे वाले हेयर को अच्छी तरीके से ट्रिमिंग कर लेना, ठीक है। ट्रिमिंग करने से हेयर कटिंग आसान होगा और अच्छा भी लगेगा। देखिए पूरी अच्छी तरीके से ट्रिमिंग कर लेना है नीचे वाले हेयर को। आप इस तरीके से फर्स्ट कट लगाना है, लगाने के बाद पूरी ट्रिमिंग कर लेना है, ठीक है। आपको दिखा रहा हूँ पीछे वाले साइड, ठीक है। तीनों साइड में आपको इस तरीके से कट लगाने के बाद ट्रिमिंग कर लेना है। तो कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम का डॉग्स पार्लर में आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। देखिए आपको तीनों साइड में इस तरीके से ट्रिमिंग करके अभी क्या करना है, वन पॉइंट क्लिप लगाना है। लगाने के बाद आपको इस तरीके से ट्रिमर चलाना है, ठीक है। ज़्यादा ऊपर नहीं मारना, ठीक है, हल्का हल्का ट्रिमर चलाना है तीनों साइड में। चलाने से क्या होगा, जो स्टेप अच्छी तरह स्लोप हो जाएगा, स्टेप नहीं रहेगा और हेयर कटिंग फिनिशिंग आएगा, ठीक है। तो इसलिए तीनों साइड में अच्छी तरीके से उसको मार लेना वन पॉइंट क्लिप में पूरी अच्छी। मैं आपको पूरी दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, कोई भी बीच में कट नहीं कर रहा हूँ। आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, आप इस तरीके से हेयर कटिंग करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से हेयर कटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये सबसे आसान तरीका है। उसके बाद क्या करना है, हल्का हल्का जो हेयर था ऊपर का हेयर आप इस तरीके से ट्रिमर से हल्का हल्का कट भी कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिमर से कैसे कर सकते हैं, सीजर से भी कर सकते हैं, ठीक है, हल्का हल्का। उसके बाद क्या करना है, नीचे वाला जो स्टेप दिख रहा है वो जीरो वाला स्टेप दिख रहा है, वो स्टेप के ऊपर आपको इस तरीके से 0.1 देख सकते हैं, 2 देख सकते हैं, ठीक है। स्टेप के हिसाब से देना है, बड़ा बड़ा ट्रिमर से देने के बाद आप इस तरीके से उसको हल्का हल्का स्लप कर सकते हैं, ठीक है। तीनों साइड में आपको इस तरीके से स्टेप को स्लप करना है पूरी अच्छी तरीके से। जितने अच्छे तरीके से स्टेप को स्लप करेंगे उतने हेयर कटिंग अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूँ तीनों साइड में आपको इस तरीके से जो भी स्किन फेड हेयर कटिंग करते हो तीनों साइड में स्टेप है वो अच्छे तरीके से स्लप करिए और हेयर कटिंग रिजल्ट अच्छा आएगा। तो इसलिए देखिए मैं एक साइड में स्लप कर चुका हूँ, अभी आपको दिखा रहा हूँ पीछे वाला साइड। आपको तीनों साइड में अच्छे तरीके से स्लप कर लेना है, ठीक है। देखिए किस तरीके से स्लप कर रही हूँ, स्टेप के ऊपर मशीन चलाना है, ठीक है। और आप जो भी ट्रिमर है आप ट्रिमर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीनों साइड में अच्छी तरीके से स्टेप को स्लप करने के बाद क्या करना है मैं आपको दिखाऊंगा। आगे देखिए ये पूरी अच्छी तरीके से स्टेप को स्लप करना है। तो कोई भी डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या करना है, आप सीजर से ऊपर का जो हेयर दिख रहा है, हल्का का जो स्टेप दिख रहा है, उस स्टेप को आप हल्का हल्का कटिंग कर सकते हैं सीजर से, ठीक है। ट्रिमर से भी कर सकते हैं, सीजर से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ सीजर से किस तरीके से करते हैं। ऊपर का जो हल्का जो स्टेप दिख रहा है वो हल्का हल्का तीनों साइड में सीजर से स्लप कर लेना, ठीक है। पूरी अच्छी तरीके से स्लप करना, जितने अच्छी तरीके से स्लप करेंगे उतने हेयर कटिंग का रिजल्ट अच्छा आएगा। तो इसलिए तीनों साइड में आपको अच्छी तरीके से स्लप कर लेना है। देखिए अब मैं आपको दिखा रहा हूँ पीछे वाला साइड, उसके बाद सी वाला साइड पे आपको दिखा रहा हूँ हल्का हल्का जो स्टेप है उसको सीजर से स्लप करने के बाद अभी क्या करना है, दोनों साइड में बीट पकाना है, ठीक है। दोनों साइड में टू साइड है वाला हेयर कटिंग है इसलिए दोनों साइड में इस तरीके से बीट पकाना है। उसके बाद कॉर्नर बनाना है, ठीक है। आप इस तरीके से कॉर्नर बनाने के बाद अभी क्या करना है, ऊपर का जो हेयर उसको फिंगर वाला हेयर कटिंग करना है। देखिए किस तरह से मैं कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप भी इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फिंगर वाला हेयर कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे आसान तरीका है फिंगर वाला हेयर कटिंग करने का, आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फिंगर वाला हेयर कटिंग करिए, रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। और हेयर कटिंग ऊपर का जो हेयर है उसको कस्टमर के हिसाब से आपको छोटा कटना है, ठीक है। तो ये देखिए ये फाइनल रिजल्ट
तो कैसा लगा टू साइड वाला स्किन फेड हेयर कटिंग। तो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।